चार महीने के बाद मैं आपको माहवारी सत्संग में दर्शन कर रहा हूँ। दिसंबर से लेकर आज मार्च आ गया, मैं आपके हाजिर नहीं हो सका किसी कारण से, तो ये चैत महीने का सत्संग है। मैं दाता के दरबार से सच्चे दिल से चाहता हूँ कि मेरा सदगुरु आपको सबसे पहले शारीरिक तंदुरुस्ती दे। शारीरिक तंदुरुस्ती नहीं है तो बाकी कुछ भी नहीं है। शारीरिक तंदुरुस्ती, फिर मानसिक शांति, घरों में सुख प्रेम हो, तो यही सब कुछ है, आगे कुछ भी नहीं है। आज चैत का महीना है, मैंने कुछ संतों के वाणियाँ भी पढ़ी हैं, महापुरुषों की वाणी भी सुनी है, और सबसे ज़्यादा मैं बाबा फकीर जी महाराज के साथ रहा, उनकी वाणी सुनी है, उनके संस्कार हैं, उनके विचार हैं जो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले अपने ऊपर उनको उतार कर देखूं, तब पता चलता है कि संत क्या कहते हैं। तो आज चैत का महीना मैं आपको सुना रहा हूं, और साथ में कबीर साहब की भी बात सुनाऊंगा, वो क्या कहना चाहते हैं, बड़ा ध्यान से सुनना। लेकिन ये जो शब्द है ये केवल उनको लिए है जो इस दुनिया से पार जाना चाहते हैं, जो जन्म मरण से पार जाना चाहते हैं, दोबारा नहीं आना चाहते, उनके लिए है। जिनको दुनिया चाहिए, जिनको दुनिया के सुख चाहिए, जिनको दुनिया में तरक्की चाहिए, उनके लिए नहीं है। पहले बता देता हूँ, ये आध्यात्मिक सत्संग है, संसारिक नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि दोनों को मिलाकर आपके सामने पेश करूँ कि अगर संसार ठीक नहीं है तो अध्यात्म भी ठीक नहीं होगा। बात समझ गए? सुनाओ शब्द, लक्की थोड़ा पानी पिला। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। चैत मास दसवां, बस चैत महीना आया चैत, बाधा सत गुरु भव में सेत। अब बस करो। परमदयाल जी महाराज 1921 में धाम गए, धाम दाता दयाल जी के हाजिरी में गए, और एक शिष्य के रूप में, एक सेवक के रूप में दाता दयाल जी के लिए सोने का सिंहासन, सोने का ताज बनवाया, चांदी का हुक्का बनवाया, एक सिंहासन बनवाया, और जरीदार उनके लिए गाउन लेकर गए। और जब भेंट किया तो दाता दयाल जी ने वहाँ उनको एक शब्द लिखा, उठा लिया, फिर शब्द लिखा, चेत 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 मेरे भाई, राह से कुरा भया भूला भरमाना, कहाँ बसे कहाँ न से ठौर न ठिकाना, गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें चताया, संत मत धार हिये तज मोह माया। ये कहा, ये जो तू भेंट लाया है ये माया है, इससे तू पार नहीं होगा, ये जो कुछ भी तू लाया है ये तेरा मानसिक प्रेम है, आध्यात्मिक प्रेम नहीं है। इसलिए बाबा फकीर कहा करते थे, मैं तो सारी जिंदगी महाराज जी के शरीर के साथ ही जुड़ा रहा, उनकी बात मैं नहीं समझ सका, और बहुत देर के बाद मुझे पता चला कि दाता दयाल क्या कहते हैं। ये स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि संतों ने क्या किया, संतों ने उन लोगों के लिए जो पार जाना चाहते हैं, जो दुनिया का अनुभव लेना चाहते हैं, माया में खेलना चाहते हैं, भावसागर में तरना चाहते हैं, उनके लिए ये शब्द नहीं है। अब भावसागर क्या है? मैं तो जब शुरू शुरू में आया मैं सोचता था भावसागर कोई बहुत बड़ा सागर है, कोई समुद्र है जिसको गुरु ने पार कर देना। और जब हम बचपन छोटे होते थे तो गांव में एक शब्द गाया करता था, गुरु शब्द जहाज बनाया और सिंगो पार नंगिए, ये हम गाया करते थे। कहाँ नंगी है, कौन सा शब्द जहाज शब्द का बनाया, और जब उस वक्त तो सोचते थे पता नहीं कौन सा शब्द का जहाज होगा, अब पता चला कि वो शब्द का जहाज क्या है। तो यहाँ स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये जो सत्संग परंपरा है, सत्संग की परंपरा, ये गुरु नानक साहब से और कबीर साहब के समय की चली हुई है। उस वक्त उनके पास खास खास लोग जाते थे, अब तो डेरे बन गए, दुनिया का पता नहीं लगता,
लेकिन एक 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 तमाशा बन के रह गया, सत्संग सत्संग नहीं रहा है। दुनिया ने सत्संग का मतलब ही नहीं समझा, बस दौड़े हुए हैं, भेड़ चाल चली हुई है और बात को नहीं समझते। ये यहाँ बातें कह रहे हैं, चेत महीना आया चेत, गुरु ने सतगुरु बांधा भव पर सेत। भवसागर है हमारे ख्याल, भवसागर है हमारी चेतना, भवसागर है हमारे विचार, हमारी कल्पना, शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर और आत्मिक लेवल पर। तीनों लेवल पर हम फंसे हुए हैं संसार में। कोई शरीर के रोग से दुखी है, कोई मन की शांति से दुखी है, कोई अज्ञान के साथ दुखी है। तो यहाँ तो बुरा हाल है। मैं जो देखा है, ये संसार दुख का भरा हुआ है, सुख नहीं है। सुख तो किसी के पास होगा। वाणी में कहा गया है, सुख है बिच विचार दे जा संता शरण प्या। जब संतों की शरण में जाकर सुख मिलता है, जब विचार में सुख मिलता है, सोच विचार करके कि ये क्या है, कुछ भी नहीं है। मेरी बात समझ गए? तो वो कहते हैं कि जो मन के रूप से, शरीर के रूप से, आत्मिक रूप से इंसान या मानव जाति दुखी है, उसके लिए सत्संग रूपी एक 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 समुद्र को पार करने वाला बेड़ा बनाया है। बस सेतु कहते हैं पुल को, एक पुल बना दिया कि तुम इस ओर से उस ओर चले जाओ, इस दुनिया के ख्यालों से आज़ाद होकर अपने घर वापस चल जाओ। ये दुनिया में तो सुख है नहीं, एक चिंता खत्म होगी दूसरी लगेगी, दूसरी खत्म होगी तीसरी लगेगी। हम इसी में खेलते खेलते अपना जन्म सारा बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए वो क्या कहते, पढ़ो यही लाइन दोबारा। चेत महीना आया चेत, बाधा सतगुरु भाव में से। चेत का मतलब है समझ कर, अकल कर, विचार कर। पे सतगुरु ने तेरे लिए सत्संग का एक पुल बनाया है, वहाँ जा और इन विचारों के भवसागर से तू पार हो जा, थॉटलेसनेस में चला जा, विचार मुक्त हो जा, चिंता मुक्त हो जा, ख्यालों से मुक्त हो जा। ये इसका कहने का भाव है। क्या है आगे पढ़ो। जी उचिताए जो थे वार भवसागर से कीने पार। अब स्वामी जी कहते हैं कि गुरु ने क्या किया, जो इधर थे दुख में थे, दुखी थे, चिंता में थे, विचारों के ख्यालों में डूबे हुए थे, उनको उन्होंने उस भावर सागर से पार कर दिया। ये इनका कहना है। क्या मतलब, सारी चिंताएं खत्म कर दी, सारी कल्पनाएं खत्म कर दी, सारी कामनाएं खत्म। असल में हमारी चिंता है क्या? हर आशा, हर आशा जो हम करते हैं कि ये हो जाए ये हो जाए, उसके साथ चिंता बंधी हुई है। तुमने कोई ख्याल किया कि ये पूरा हो जाए, वो किसी कारण से पूरा नहीं हुआ, तुम चिंता में डूब जाओगे। तो आशा और निराशा ये दोनों बहने हैं। आशा जहाँ होगी वहाँ निराशा आना लाजमी है। जहाँ तुम्हारी कामना है अगर वो पूरी होगी तुम खुशी हो, अगर वो पूरी नहीं हो तो तुम दुखी हो। तो कौन आदमी है जो आशा से मुक्त हो जाता है? वो केवल वो है जो उसको अपने गुरु की वाणी पर पूरा विश्वास हो गया है। जिसको ये पता लग गया, जिसको ये विश्वास हो गया कि जिस मालिक की मैं अंश हूँ, यहाँ से मैं आया हूँ, उसने मुझे खाली यहाँ नहीं भेजा है, उसने मेरा सारा इंतज़ाम पहले ही किया हुआ है, वो सुखी होगा। जो मन की कल्पना में है, अपने मन पर निर्भर करता है, उसको छोड़ देता है और अपने मन के खेल में खेल खेलता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा भावसागर में डूबता जाता है और उसको डूबता रहेगा। किन के लिए? उनके लिए जो पार जाना चाहते हैं, जो सत्संग उनके लिए, आम दुनिया के लिए नहीं है। संत मत दुनिया के लिए नहीं है, संत मत केवल उनके लिए है जिन्होंने इस संसार में दुख को महसूस किया, जिन्होंने अपने जानने के लिए अपने आप को जानने की कोशिश की कि मैं कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ जाना है,
जब तक उसके अंदर में ये तीन सवाल नहीं पैदा होंगे वो संत मत को समझने के काबिल नहीं है। क्या कहा मैंने, बात को गौर से सुनते जाओ। तो किन को पार करना है, जो दुखी हैं, जो गुरु के पास आए हैं इस ख्याल से, केवल इस ख्याल से कि मैं जन्म मरण से पार हो जाऊं, मुझे मेरा ज्ञान मिल जाए मैं कौन हूं और मेरा मालिक कौन है, उसके लिए ये भवसागर का पुल बंधा है, बाकी दुनिया के लिए ये पुल नहीं है। ये तो एक परंपरा बनकर रह गई, सत्संग लंगर लगेगा जी, क्या होगा, भंडारा, हाँ भंडारा लगेगा, बस और कुछ नहीं है। क्या कहा मैंने, ये केवल उनके लिए है जो वास्तविकता में समझकर इस संसार से पार होना चाहते हैं और अपने घर जाना चाहते हैं, ये सत्संग उनके लिए। आगे पढ़ो। भव सागर अति गहिरे गंभीरे, साते गुरु पूरे बाधी धीरे। सतगुरु करता क्या है, तुम दुखी हो, चिंता में डूबे हुए हो, आप उनके पास जाते हैं, वो तुम्हें धैर्य देते हैं। कोई बात नहीं बेटा, ये वो दिन थे और आज के दिन एक जैसे नहीं रहेंगे। एक संत थे, वो राजा के दरबार में गए, राजा ने उनकी बहुत सेवा की, बहुत सेवा की और बहुत उनको खुश किया। तो जाती दफा जाने लगे तो कहते महाराज थोड़ी देर और रुक लो, कहते नहीं भाई तुम सुखी रहो, आपका आप फलो फूलो, तो मैं एक आपको चीज़ दूंगा, ये अपने पास संभाल के रखना। एक कागज़ पर कुछ लिखा, एक कागज़ पर कुछ लिखा और उसको बंद करके उनको दे दिया कि इसको तब खोलना जब तुम बहुत महसूस करो कि मैं अब क्या करूं, जब तुम हार जाओ कि मैं अब क्या करूं, कुछ नज़र नहीं आता, आदमी बेसहारा हो जाता है ना, दुखी हो जाता है, तो बेचैन हो जाता है, किसी कोई सलाह लेने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। तो राजा के ऊपर दूसरे राजाओं ने अटैक किया और उसका सारा दरबार, अपना राजपाट सारा छीन लिया और राजा दौड़कर जंगलों में चला गया, जंगलों में जाके रहने लगा। तो एक दिन ख्याल आया कि वो संत आए थे, उन्होंने मुझे ये दिया हुआ है कि अपने पास रखना। उसने उसको खोला, खोल कर पढ़ा तो उस पर लिखा क्या था, अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। क्या कहा मैंने, धैर्य बांध दी ना, अगर वो दिन नहीं रहे जो जब तू राजा था, बहुत बड़ा ताकतवर था, और आज तू भिखारी, ये भी नहीं रहेंगे। उसने फिर हिम्मत पकड़ी, फिर अपनी फौज इकट्ठी की और फिर दोबारा अपने राज को प्राप्त किया। क्या कहा मैंने, तो संत क्या करते हैं, वो बेसहारा को सहारा देते हैं, जिसकी धैर्य टूट गई उसको धैर्य बांधते हैं और उसको जीने का राज बताते हैं कि चिंता मत कर बेटा, जब तक तेरा शरीर कायम है, तेरे में शक्ति कायम है, तू हिम्मत कर, हिम्मत ना हारिए बिसारिए ना ना, ये कहा संतों ने। हम हिम्मत हार जाते हैं और उसको भी भूल जाते हैं, फिर ना हम घर के ना घाट के। क्या कहा मैंने, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है, पॉजिटिव रहना है, गुरु के वचन पर विश्वास करना है। जिसने विश्वास किया वो तर गया, जिसने विश्वास नहीं किया, संदेह किया, वो डूब जाएगा, सीधी बात है। आगे क्या कहते हैं, तन मन धन की लई जुगात, शिष्य उतारे गई कर हाथ। यहाँ स्वामी जी महाराज ने तीन बातें कही हैं कि किन को पार करेगा, जो तन मन धन गुरु को अर्पण कर देंगे। इस लाइन का संत मत में बड़ा ही दुरुपयोग हो रहा है कि सब कुछ गुरु को दे दो, ये सारा का सारा गलत है और ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि जो कुछ है वो गुरु का है, ये गलत है। मैं इसके बाद में इसको फिर बाद में लूँगा, पहले कबीर साहब की बाणी निकालो, क्या पहले कबीर साहब की बाणी निकालो, कंडीशंस हैं इस लाइन पर आने के लिए, निजम हैं, सिद्धांत हैं, असूल हैं। कुछ संतों ने खोज करके बताया कि ये करना ये नहीं करना, तो वो जो बात कही जा रही है, कौन जाएगा भवसागर पार, जो अपने आप को पाना चाहता है, दूसरा नहीं।
भगवान को तो किसी ने पाया नहीं, ऐसे ही कहा जा रहा है आ जाओ परमात्मा दिखा देते हैं आपको परमात्मा से ये सब ढकौसला है, धोखा है, फ्रॉड है। मैं लिख देता हूँ कभी कभी, उसमें लिख देता हूँ फेसबुक पर लिख देता हूँ, जो गुरु कहते हैं ना हम परमात्मा के दर्शन करा देंगे, मैं वहाँ लिख देता हूँ यू आर ए ग्रेट फ्रॉडुलेंट, तुम सबसे बड़े धोखेबाज हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो परमात्मा, तेरे को खुद नहीं मिला तो तू किसी को क्या मिलाएगा। वहाँ जो गया वो तो चुप हो गया, वहाँ से आकर बताएगा क्या, वहाँ जो गया वो वही रह गया और कह दिया वो बेअंत है, और उस बेअंत को एक छोटी सी आत्मा क्या जान सकती है, कुछ भी नहीं जान सकती। करने नो दीदार महल में प्यारा है, अब पहले ये कंडीशन पैदा करो, जब तक ये कंडीशन है, स्वामी जी ने भी लिखा है थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ, साध संगत में जा तेरा भले की कहूँ, बुरा भला मत देख तेरे भले की कहूँ, चुगली निंदा त्याग तेरे भले की, ऐसा लिखा उन्होंने भी। लेकिन कबीर साहब ने उससे भी पहले और कुछ लिख दिया, मैं वहां से शुरू करने लगा हूँ, पढ़ो। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कौन से महल में? जिसकी खोज दुनिया बाहर कर रही है, मंदिरों में भटक रही है, धर्मशालाओं में कहाँ कहाँ भटक रही, देखते हैं वो, आप मुझे क्या कहना, मुझे क्या कहना। अभी अभी अशोक ने जो एक शब्द पढ़ा, गुरबाणी का शब्द है, काहे रे बन खोजन जाई, तू बनों में किस लिए जा रहा है, सर्व निवासी सदा अलेपा तेरे संग समाई, वो तो तेरे अंदर है, कैसे कैसे अंदर है, जैसे पुष्प मध्य जू बास बसत है, मुकर माहेयुषाई, तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही गोजो भाई, जैसे फूल में खुशबू है वो तुम्हारे अंदर ऐसे है। अब वो देख लो वो कितना हल्का होगा, खुशबू नजर आती है क्या? खुशबू तो नजर नहीं आती लेकिन खुशबू है, और मुकर माहेयुषाई शीशे में तुम्हारा रूप होता है, तुम शीशे में देख रहे हो उसको पकड़ो पकड़ा जाएगा, तुम ही हो बैठे सामने शीशे के, तुम अपने आप को नहीं जान सकते कि तुम कौन हो तो उसको कैसे पाओगे। और फिर तो आखिर में कह दिया, जन नानक बिन आपा चीना मिटे ना भ्रम की काई, ए इंसान जब तक तू अपने आप को नहीं जान सकता तू उस मालिक को भी नहीं जान सकता। फैसला है ये अटल फैसला है, किसको ढूंढने फिरते हो, अपने आप को तो देखा नहीं। आज मैं आ रहा था मुन्ना से, रास्ते में ना टेंट लग गए हैं, तीन चार जगह टेंट लग गए, बड़े बड़े टेंट लग गए, और ऐसे ऐसे रोकते हैं खाना खाओ जी, क्योंकि लोगों ने जाना ना उधर, हमारा पंजाब तो सारे, अरे गुरुओं की धरती जहाँ गुरुओं ने हमें सब कुछ बता दिया, फिर भी हम भटके हुए उधर जा रहे हैं, मंदिरों में धक्के खा रहे हैं और जगह पर धक्के खा रहे हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ कि गुरुवाणी के पास रहते हुए तुम कहाँ जा रहे हो, तुम गुरुद्वारों में भी जाते हो फिर भी वहाँ भागे जा रहे हो, तुम वाणी सुनो, वाणी क्या कहती है, वाणी तुम्हारी आँख खोलती है, आँख अंदर की आँख खोलती है, मगर तुम सुनते नहीं हो, इसलिए संतों ने दुखी होकर कह दिया सुनते नहीं है गाफल दुनिया के, मेरा कलाम बेदार हो के कहता हूँ तबीर खाम की, दुनिया सुनने को तैयार नहीं है, दुनिया मनोरंजन चाहती है, दुनिया जहाँ तालियां बजे या लेडीज नाचती हो वही सब दुनिया खुश है। मेरे मंदिर में भी एक दफा लेडीज को नचाया गया और आठ आठ लेडीज की चेने उतर गई, यहाँ पुरुष आ गई, ये कोई संत मत है? संत मत गाना बजाना नहीं है, संत मत मनोरंजन नहीं है, संत मत अपने आप को तुम्हें जुगाता है, तुम्हें चेतवान करता है, तुम्हें समझाता है, ओ इंसान तू मालिक के कुल का बच्चा है, तू उसकी औलाद है, अपने आप को जानने की कोशिश कर, जो अपने आप को नहीं जानता वो उसको भी नहीं जान सकता,
इसलिए कबीर सब कंडीशन लगा रहे हैं। उस वक्त शायद समाज में ये कुरीतियाँ होंगी, इसलिए कबीर साहब ने दुखी होकर लिखा, क्योंकि ये होंगी कुरीतियाँ और लोग कहते होंगे महाराज दर्शन करा दो, वो कहते पहले ये चीज छोड़ के आओ फिर मैं आपको बता दूंगा। चलो क्या कहें, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, सील संतोष छिमा सत्य धारो। पहली कंडीशन काम क्रोध मद लोभ, चार चीजें पहली सुन लो। कामना इसको कम करो, कामना के कई रूप हैं, कामना के कई रूप हैं, पति पत्नी में भी कामना है, फिर दुनिया को प्राप्त करने के लिए ये मिल जाए ये भी कामना है। काम क्रोध, अगर तुम्हारी कामना पूरी नहीं हुई तुम्हें क्रोध आएगा, बात समझ गए, तो कामना छोड़ दोगे तो क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा। मुझे जो मिल गया वो ठीक है, मैं खुश हूँ उसी में, मैं क्यों क्रोध करूँ, किस बात पर क्रोध करूँ। लेकिन हमें क्रोध आता है क्योंकि हम हर चीज़ को अपने मन के मुताबिक चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए घर में, ऐसा होना चाहिए, बच्चों को ये करना चाहिए, पत्नी को ये करना चाहिए, बहू को ये करना चाहिए, इसलिए हम अपने ही जाल में फंस जाते हैं। तो क्रोध कहे रहेगा जब तुमने इच्छा ही छोड़ दी, जो खाने को मिला मत्था टेक के खा लिया, जो पीने को मिला पीने पी लिया, काहे के लिए कहा कि मुझे ये पानी दो, गिलास थोड़ा क्यों है, भर के दो, ये भरा हुआ क्यों है, थोड़ा दो, क्या कहा मैंने, सोचो हम करते क्या हैं। तो क्रोध आता है, गलत है। फिर क्या कहा, लोभ, क्या कहे, मद लोभ। मद होता है कि तुम्हारे पास कोई चीज है, तुम पहले उसको अपना समझते हो कि ये मेरी है, फिर उस पर अभिमान करते हो कि ये मेरी, मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मद है। यहां हमारा क्या है पहले सोच लो, लाए क्या थे, कुछ भी नहीं, जो दिया मालिक ने दिया तो शुक्र क्यों नहीं करते, और क्यों मांगते हो, ये भी मिल जाए, उससे तुम्हारा मद बढ़ेगा, तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा और अहंकार रूपी कुएं में तुम डूब जाओगे। मद नहीं करना कि ये मेरा मुझ में कुछ नहीं, कबीर ने तो कह दिया मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। हम रोते हैं अगर कोई चीज़ गुम हो जाए तो रोते हैं, हम कुछ हो जाए कुछ भी हो हम रोकते हैं, क्योंकि हमारा मद है कि ये मेरा है। एक जिम्मेदार था बात में एक बात भी समझा देता, वो हल चला रहा है, हल चलाते चलाते देखा कि यहाँ कोई सख्त चीज़ है, हल रोक दिया उसको उखाड़ा तो एक घड़ा निकला बीच में से, जमीन से घड़ा निकला, मिट्टी लगी हुई, फिर उसका ढक्कन खोला तो ओहो ये तो पैसों से भरा हुआ है, उसने उसको फिर बांध कर ना नदी पर चला गया, फिर इसको साफ कर लूँ, इसको धो लूँ, नदी में धो रहा है उसको, पानी का शाला आया और घड़ा रुट गया और वही रोने लग गया, पीटने लग गया, हाय में लुट गया, मेरा ये चला गया, मेरा वो चले गया। उधर से कोई संत आया, कहते क्या हुआ भाई, कहते महाराज क्या बताऊँ, बड़ी दौलत सी मेरे पास, मैनू गढ़ा मिलया जमीन में से, वो मेरे हाथ से छूट गया और पानी में बह गया। तो कहते तू क्यों रोता था, तेरे को मिला और तेरे से चला गया, तेरा तो था ही नहीं, वो तो जमीन में था, तू किस लिए रो रहा है। हमारा हाल ये है कि जो मिला अगर वो हाथ से चला गया तो हम रोने और पीटने लग जाते हैं, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, हाय वो हो गया। लोभ मोह, क्या पढ़ो यही लाइन, काम क्रोध मद लोभ विसारो, नहीं करना, लोभ बहुत बुरी चीज है, और मिल जाए ये खाने का भी लोभ, देखने का भी लोभ, सुनने का भी लोभ, और धन दौलत प्राप्त करने का भी लोभ। एक लोभ थोड़ी है, कोई सुंदर चीज देखने को मिल गई आंखें टिक जाती हैं, सत्संग में बैठोगे आंखें बंद हो जाएगी, क्या कहा मैंने, कबीर ने भी यही कहा है, कहते जहाँ तालियां बजती हैं वहां नींद नहीं आती, वहां डांस करते हैं, जहाँ सत्संग होता है वहां सो जाते हैं, कबीर ने भी यही कहा, सोते हैं लोग।
मैंने देखा है, मेरे प्रेम को भी नींद आ जाती है, और किसको क्या कहूँ मैं, क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। काम क्रोध मद लोभ विसारो, चार चीजें अगर पार जाना है, अगर अपने आप को जानना है, तो ये चार चीजों को पहले नोट कर लो, फिर होगा भवसागर पार, वरना ये तुम्हें जमीन की तरफ खींचेंगे। हाँ आगे, शील संतोष क्षमा सत्य धारो, शील मैंने सहनशीलता, संतोष मैंने मैं में खुश हूँ, दो फुलके खा ले बस, और नहीं चाहिए, वो कहेगा नहीं नहीं सब्जी बहुत स्वाद, नहीं मैंने नहीं खानी, बस गल खत्म हो गई, संतोष आ गया, खाने का संतोष, पहनने का संतोष, देखने का संतोष, बाकी धन दौलत प्राप्त करने का संतोष। खाना क्या है, दो रोटी खानी है, क्या चाहिए, थोड़ा कपड़ा चाहिए शरीर को, रहने को मकान चाहिए, और कहीं जाने के लिए गाड़ी मिल गई तो इससे पहले भगवान आपको और क्या दे, बताइए शर्मा जी, और क्या चाहिए। शरीर की तंदुरुस्ती सबसे बड़ी बात है, संतोष, क्षमा, किसी ने गलती खाई उसको माफ कर दो, उसको माफ कर दो, नहीं तो अंदर ही अंदर जलते रहोगे, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, मैं वो, नथिंग डूइंग, सहनशीलता में आ जाओ, किसी ने कुछ कहा कोई बात नहीं, उसका भला हो, क्या कहा मैंने, उसका भला मांगो, क्या मालिक है इसको पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पर दया करो, इसकी जबान में कुछ ज्ञान आ जाए, इसकी जबान में कुछ मीठी बाणी आ जाए, ये करना चाहिए, बजाय इसके कुछ का मुकाबला किया जाए। शील क्षमा, शील संतोष क्षमा सत्य धारो, मध्यमास मिथ्या तज जारो। अब उन्होंने एक बात और कही है, खाने पीने पर भी बोल दिया, और ये हमारे समाज का सबसे ज्यादा खतरनाक एक अंग बन गया है, खतरनाक अंग बन गया है। कल जब कोई बात चल रही थी, बेटा मेरे बात कर रहा था, मैंने कहा बेटा मेरे ख्याल में, मैं देखा है थोड़ा सा, सुना भी है देखा भी है, मैं एक दफ़ा गाड़ी में सफ़र कर रहा था, तो एक सरदार साहब नीचे बैठे, एक बाबूजी ऊपर सामने, वो खाना खाने लगे एक दूसरे में बातें करने, आप कहाँ, मैं अमृतसर के रहने वाला हूँ, तो वो कहते आपका, हम अमृतसर हरिमंदर साहब में दर्शन करने गए थे, बात चलती चलती खाने पर आ गई, वहाँ उस होटल में सबसे बढ़िया चिकन मिलता है, उसमें जहाँ ये सबसे बढ़िया चीज़ मिलती है, उसमें वहाँ ये चीज़ मिलती है, मैं कह लो दसो, हरिमंदर साहब के दर्शन करने गए और जानवरों के मारने की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जानवर अमृतसर में कटता है, क्या कहा मैंने, जो गुरुओं की धरती है, जो गुरुओं की धरती है, वहाँ भी हमने किसी चीज़ को छोड़ते, वो कहते हैं इनको छोड़ दो, ये पीना खाना छोड़ दो, इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है, तुम्हारी तामसिक वृष्टि हो जाएगी, तुम्हारा राष्ट्रिक सात्विक गुण सब खत्म हो जाएंगे, अगर वहाँ जाना चाहते हो तो सिर्फ वो खाओ जो कुदरत ने तुम्हारे लिए पैदा किया है, क्या कहा मैंने, कबीर साहब कहते हैं, पढ़ो आगे। हो ज्ञान घोड़े अश्वार भरम से नारा है, दोबारा पढ़ो, मध्य मास मिथ्या तज जारो, शील संतोष क्षमा सत्य धारो। हाँ, शील और संतोष रखो, जो घर में बना है वो खाओ, ऐसे ना बाजार में। एक बार की मैं आपको बात बताता हूँ, मैं पहले गाड़ी ली जीवन की अनुभव बताना चाहिए ना, तो वहाँ रेलवे स्टेशन, रेलवे रोड जो है ना, वहाँ वो बच्चे ने कहा इसमें एक वो साउंड सिस्टम लगा लो, यहाँ सत्संग भी सुन सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो हम वहाँ चले गए, वहाँ एक बज गया तो भूख लग गई, मेरी पत्नी मेरे साथ थी, सामने पूरी बन रही थी, सामने दुकान के पास, मैं कहा चलो वहाँ कभी खाई तो नहीं, दो दो पूरियाँ खा लेंगे, क्या उसको बोलते हैं, तो हम वहाँ बैठ गए, तो दुकानदार कहता बाबूजी तुम्हें आधा घंटा रुकना पड़ेगा, मैं कहा क्या बात, कहते अभी मेरे ग्राहक आने वाले हैं, वो पूरियाँ बना बना कर रखता रहा था, ढेर ला रहा था, छः छः चार चार छः छः और चने, मैं कहा क्या बात,
कहता है होशियारपुर में इस इलाके में लोग दोपहर की रोटी नहीं खाते, मेरी पूरी जाएगी और चावल जाएंगे चने वो ही खाते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो ही लोग रोटी खाएंगे। आधा घंटा बैठे आन लग गए जी, स्कूटर वाले आन लग गए, गाड़ियों वाले आन लग गए, खड़ी खड़ी की और लिफाफा लिया डाल लिया डब्बा लिया ले के चल गए। बताओ क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड बन गया है। ये इतनी देर की बात कह रहा हूँ, आज तो पता नहीं क्या हाल होगा। आज तो फास्ट फूड खुल गया, आज तो बर्गर खुल गए, तो हमारे लिए हॉस्पिटल बन गए हैं, हमारे लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं। इसीलिए बन रहे हैं कि हमारा खाना खराब हो गया। क्या कहा मैंने, ए इंसान तू केवल रोटी दाल सब्जी खा ले, तुम्हें कोई बीमारी नहीं लगेगी। मैं ये समझ कर कह रहा हूँ, मैं तजुर्बे से ये बात कह रहा हूँ। पेट भर के खाना छोड़ दे, थोड़ा सांस लिए भी रास्ता रख दे। फन्नत ने एक ने बात सुनाई, शराब चल रहे थे, खीर खाई सब कुछ खा रही है, तो बच्चे ने बीच में पानी पी लिया, तो पंडित ने अपने लड़के के थप्पड़ मारा, बेवकूफ ये पानी क्यों पिया, खीर खा लेता, क्यों आपने ये गलती की। कहता पापा मैं गलती नहीं की, मैं खीर को नीचे किया है, पानी तब पिया है, उसके एक थप्पड़ और मारा, मुझे क्यों नहीं बताया। क्या कहा, ये हमारा हाल है, ये हमारा हाल है। मैं बहुत प्यार से आपको ये बातें बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। हो ज्ञान घोड़े अश्वार भरम से न्यारा है, फिर पढ़ो। हो ज्ञान घोड़े अश्वार भरम से न्यारा है, कम सुनता है। हो ज्ञान घोड़े अश्वार भरम से न्यारा, घोड़े के सुपर सवार हो जा, आप नहीं हुआ मुझे बता रहा है, घोड़े पर सवार हो जा। कौन सा घोड़ा, ज्ञान का घोड़ा। हमारा ज्ञान का घोड़ा कहीं छूट गया, हम मन के घोड़े पर सवार हुए हुए हैं। ज्ञान का घोड़ा हमारा है नहीं, जिधर को हमें मन भेजता है हम चल पड़ते हैं, जहां मन देखता है वहीं हम बैठ जाते हैं। यही मन अपने वो गंदी गंदी बातें सुनता है, वही हम बैठ के सुनते हैं। सत्संग की बात को कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता। इसलिए ज्ञान का घोड़ा ले लो, कब वो ज्ञान हमेशा अपने पास रखो। खाना क्या है, देखना क्या है, सुनना क्या है, बोलना क्या है, हाथ किसको लगाना है, ये पांच ज्ञान हैं, ये पांच ज्ञान इंद्रियों के ज्ञान हैं। और ज्ञान इंद्रियों के ऊपर हमारे मन सवार है, हमारे देखने में मन है, बुद्धि कम है, सुर्त कम है। क्या कहा मैंने, इनको देखना है, इनके पांच ज्ञान इंद्रियों को कमजोर अपने हाथ में ले लिया, उसका शरीर के कर्म इंद्रियां भी उसके कंट्रोल में आ जाएंगी। ये है सबसे बड़ी बात जो मैंने कही। अब अगला पे अगला निकाल, 67 पेज पर अगला 67 पेज पर अगला शब्द है, दो लाइन है, वो भी पढ़ फिर मैं उधर चलूंगा। ये बात क्या कही जाए, कबीर साहब ने कहा ज्ञान के घोड़े पर सवार होना है, मन के घोड़े पर सवार नहीं होना। इसी तो गुरुओं ने कह दिया, मन को बेचे सतगुरु पास ते सेवक के कार्य रास। लेकिन कोई मन को बेचता है, नहीं बेचता, बताऊंगा। जब वो स्वामी जी ने कहा है तन मन धन की ले जुगात, वो कैसे लेंगे जुगात वो भी बता दूंगा। आगे चलो। कर नयनो दीदार पिंड से न्यारा है, पिंड से न्यारा है, पिंड से। हाँ, अब वो कहते हैं, पहले कहा महल में प्यारा है, अब दूसरे में कह दिया पिंड से न्यारा, पिंड में शरीर, वो तेरे शरीर से न्यारा है। फिर आगे कहा कर नयनो दीदार अंड में झारा है, तेरे मन में है। फिर अगले सत्संग में एक शब्द में और कह दिया कर नैनो निदार वो ब्रह्मंड से पारा है, वो ब्रह्मंड से भी परे है, शरीर से परे है, मन से परे है,
और पिंड से परे हैं, आत्मा से परे हैं और फिर ब्रह्मांड से भी परे हैं। इसलिए संतों ने कहा ये नाम ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम रहे चौथे पद माही। वो शरीर मन और आत्मा से परे है, वो किसका होगा, किसका होगा? जो इस सागर भव सागर से पार जाना चाहता है, वो मन से भी निकल जाता है, वो शरीर से भी निकल जाता है और वो आत्मा से भी परे चला जाता है। इसलिए बाबा फकीर जी महाराज कभी कभी यहाँ से कहा करते थे, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ बॉडी, शरीर के एहसासों से आगे जाओ, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ माइंड, मन से भी आगे जाओ, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ सोल, आत्मा से भी आगे जाओ, फिर तुम्हें असलियत का पता चलेगा। लेकिन हम तो तीनों में खेलते हैं। क्या कहा मैंने, तो क्या कहते हैं पढ़ो, करना नो दीदार ये पिंड से न्यारा है, ये शरीर से न्यारा है, शरीर में रहता है। कहा ना, काहे रे बन खोजन जाई, वो तुम्हारे अंदर है लेकिन पिंड से ऊपर है, यहाँ है, जहाँ वो तुम्हारे पिंड में फैला हुआ है, तुम्हारे शरीर का कोई भी अंग उससे खाली नहीं है, उस धार से, उस मालिक की शक्ति से। मैं उस मालिक की शक्ति से इस हाथ को हिला रहा हूँ, उसी की शक्ति से बोल रहा हूँ, जब वो चली जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या कहा मैंने, हाँ, तो हृदय सोच विचार यह अंड मझारा है, हाँ अंड मझारा है, मन में है, तो हृदय सोच विचार अंड मझारा है, चोरी जारी निंदा चारो। अब क्या कहते हैं, चोरी, किसी नजायज रिलेशन में जाना, निंदा करना, बुराई करना, इनको विचार दो, छोड़ दो। बाबा फकीर ने जहां तक कहा कि जितनी दुनिया की प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तुम उसका चोर हो। तुम उसका चोर हो, तुम कहते हो जी मेरी है, तुम्हारी कब से हो गई, तेरी जमीन तेरी कैसे हो गई, तेरा मकान कैसे हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती है, हवा निकल जाती, कहते अब रात नहीं रखना, अब रात नहीं रखना, निकालो, वो तेरा है मकान, तेरे मकान में जिसको तूने बहुत सुंदर बनाया, वहां तुम्हें एक रात भी नहीं रहने दिया जाएगा। तो तुम चोर नहीं हुए, कहो पे ये उसकी है, मैं तो जहां रहना है बस। क्या काम, एक संत थे, वो कहीं राजे के महल के पास से गुजरने लगे तो बड़ी रौनक देखी, पहरेदार लगे हुए हैं, तो कहते भाई ये सराय है, बड़ी रौनक लगी है, यहाँ सराय है। वो कहते बाबा पागल हो गया, महल है, महल है, कौन कहता महल असराय है। तो उसको पकड़ लिया पहरेदारों ने, राजे के पास ले गए, महाराज जी इसको कहता कि जे सराय है, ये पागल हो गया, आपके महल को कहता सराय है। तो राजे ने पूछा भाई कैसे सराय कहते हो, कहते महाराज सराय है और क्या है, क्यों झूठ बोलता, तुम्हें सजा दी जाएगी। कहते सजा बाद में देना, पहले ये बता तेरे से पहले यहाँ कौन रहता था। कहते मेरे पिता, उससे पहले कौन रहता था, मेरे दादा, उससे पहले कौन रहता था, मेरा परदादा, वो कहाँ है, वो सराय नहीं उनके लिए, चले गए छोड़कर, तू भी चल जाना है, जे तेरा तरिया किस महल हुआ। राजा की आँख खुल गई, क्या कहा मैंने, कुछ भी अपना नहीं है, ये भी पिंड भी नहीं है, मन भी नहीं है, ये एक काल चक्कर है, काल चक्कर, दाता दयाल ने लिखा काल चक्कर हंडोला है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई प्रसन्न है, कोई राजा बना हुआ है, कोई रंग, ये क्या खेल है, एक संसार का खेल है, इस पर विचार करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो, उसके ऊपर आपकी देखभाल वो ही करेगा, मैं गारंटी से कहता हूँ। तुम उसके हो जाओ, वे तुम्हारा है, मगर हम उसके होते नहीं हैं, इसलिए वो हमारा होता नहीं है, तुम्हारे सब काम वो ही करता है, करता धरता वो ही है,
लेकिन हमारी हऊ में बीच में आ जाती है, इसलिए क्या कहते हैं, चोरी जारी निंदा, बाबा जी ने लिख के लगाया हुआ है, निंदा करना सबसे बड़ा पाप है, किसी की बुराई करना सबसे महापाप है, क्योंकि तुम उसके हिस्सेदार बन जाते हो, ये लिखा है शास्त्रों में। अगर आप किसी की बुराई करोगे उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा, इसलिए संतों ने असूल बनाया कि देखो मत, देख लिया तो सुनो मत, सुन लिया तो दूसरे से बात ना करो। सारी चीजें इसी में आ गई जी, ज्ञान है, सारी चीजें इसी में आ गई। तुम किसी से बात नहीं करोगे, किसी की बुराई करना ही क्या है, क्यों करनी, हाँ अच्छाई कर लो, अच्छी बात है, अच्छाई करनी चाहिए। किसी का बच्चा काबिल है, बहुत अच्छा है बच्चा, बहुत काबिल है, बहुत काबिल है, अगर उसको नौकरी मिल गई, हाय उसको पता नहीं क्यों नौकरी मिल गई, पैसे दे के करवा लिया होना, ये सबसे बुरी बात है। क्या कहा मैंने, ये मैं देखता हूँ दुनिया, पता लगता है, मिलते हैं लोग मुझे, क्या कहा मैंने, ये झगड़े हैं हमारे संसार के, अपना झगड़ा कोई नहीं है, दुनिया दूसरे को सुखी देखकर दुखी होती है, तुम सुखी हो दुनिया वाले दुखी, वो खुश और वो खुश होते हैं, तब तुम सुखी होते हो तो वो दुखी हैं, जब तुम दुखी हैं तो वो सुखी हैं, वो बहुत खुश होते हैं, अच्छा हुआ इसके साथ, बहुत अच्छा हुआ, तुम हो अच्छा करने वाले या बुरा करने वाले, वो अपनी करनी का फल पा रहा है, तुम अपनी करनी का फल पाओगे, कोई किसी का फल नहीं लेता। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो, चोरी जारी निंदा चारो मिथ्या तज सतगुरु सिर धारो, क्या कहते हैं, क्या पढ़ो, चोरी जारी निंदा चारो सतगुरु पर मिथ्या सतगुरु सिर धारो, सतगुरु को धारो अपने सिर पर, सतगुरु बाहर नहीं है, सतगुरु तुम्हारे अपने अंदर है, यही मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने 95 साल की उम्र तक हमें बताया, अपने जीवन के अनुभव हमें बताया, ताकि हमारी आंख खुल जाए, हमें पता लगे कि हम कौन हैं, बाहर के कुछ भी नहीं है, जो कुछ है इंसान तेरे अपने घट में है। अभी वाणी सुना दी मैंने, हम दाता दयाल ने शब्द लिखे, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं न काशी मैं न मथुरा मैं न गिर कैलाश हूँ, तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया, कितनी ग्रंथी है, मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वही बात, चल सुंदर लिखा उन्होंने। क्या हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा नहीं करते, हम केवल चाहते पकी पकाई मिल जाए, या दूसरों से छीन ले, या इतना बड़ा देश, या ऋषियों का मुनियों का गुरु साहिबान का अवतार हुआ, और मेरे देश में जितनी करप्शन है और वो कहीं भी नहीं है, जितना धोखा यहाँ है वो कहीं भी नहीं है। क्या कहा मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, छोटी सी बात, मेरे छोटे बेटे की शादी हुई, उन्हें बाहर जाना सिखा, तो वो मैरिज रजिस्टर करानी सी SDM दे, SDM साहब मेरे बड़े वाकफ, मिलना जुलना, तो मैं बेटी को भी बेटे को भी लेकर SDM साहब के पास चला गया, मैं कहा सर ये सर्टिफिकेट है, उसने एकदम दस्तखत कर दिए, कहते आपके बच्चे तो मेरे बच्चे, बात ख़त्म हो गई, वो बाबू को दे दिया लेटर, बाबू को दे दिया, बाबू के बाबू कहता जी आओ, मैं चला गया, कहता जी 1 महीना लगेगा, आप 30 रुपए जमा कराओ, जो अखबार में देना पड़ेगा, कि किसी को अतराज था नहीं, मैं लो 30 रुपए ले लो, बात ख़त्म हो गए। महीने के बच्चे तो अपने काम चले गए, बहू अपने पेखे चले गए, मैं गया बाबू के पास, सर्टिफिकेट, हाँ जी सर्टिफिकेट हो गया, देते हैं, मैं बैठा हूँ, उठ के चला गया, मैं खड़ा रहा, फिर ना आया, फिर आया, मैं कहा बेटा सर्टिफिकेट दे दो, कहता जी क्या जल्दी है देते हैं, अच्छा मैं क्या हद हो गई, मैंने 1/2 घंटा हो गया इतने खड़े न, कहता जी अपनी बहू को और बेटे को लाओ तब दूंगा, मैं बाजी वाह, वो तो है नहीं यहाँ, मैं गया SDM साहब के पास, मैं क्या सर वो आपका बाबू कहता है उनको लाओ, बच्चों को, बाबू को बुलाया,
कहते तू वैसे बोल दे कि मैं पैसे लेने तब देना सर्टिफिकेट, अपने बच्चों को कहाँ लाए, मैंने देखा उनको, बात समझ गए। बड़ा दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया, कहते लो जी असी इन्नी मेहनत की है तुम सू कुछ भी नहीं दे सकते, ले गल खत्म, लो पहले सेवा करो। मैं हूँ कहना हूं ना पहले ही पूछ लो तेरी सेवा की है, मैं पहले ही दे देना मेरा काम कर दे। हो रहा है शर्मा जी, हम और दुनिया में रहते हैं, बहुत बुरा हाल है। ये है मेरा देश, मंदिर में जाएंगे पानी भी चढ़ाते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं, लेकिन पैसे तुम्हारे से लेने हैं। कहाँ जाओगे ऐ मंदिरों में जाने वालों, तीर्थ स्नान करने वालों, व्रत रखने वालों, तुम अपने आप को भी धोखा दे रहे हो और उस मालिक को भी धोखा दे रहे हो जो तुम्हारे अंदर है। उसको तो तुमने मार दिया और बाहर भटक रहे हो। जागो, चेत 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 महीना आया चेत, सतगुरु बांधा बापर से, सतगुरु तुम्हें याद कराता है कि कहाँ भटके हो तुम, मैं बैठा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए सेतु बनाया है, सत्संग की परंपरा चलाई है ताकि तुम पार चले जाओ। किस वाणी से, गुरु के वचन पर चलते हुए जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वे गुनो, उन पर चलो, वो है तुम्हारा कल्याण करने वाला। आगे पढ़ो। सत्संग कर सतनाम उचारो, सत्संग करो, ये कहा है। सत्संग क्या है? सत जहां सत का ज्ञान दिया जाता है, जहां असलियत बताई जाती है, जहां सच्चाई बताई जाती कि तुम कौन हो। सत क्या है? ये संसार सत नहीं है, यहां तब्दीली हो रही है, अक्षर अक्षर ने अक्षर पारा, यहां हर चीज बदल रही है, वो सत कैसे हो सकती है? जो चीज नष्ट हो गई वो कैसे सत हो सकती है? सत तो वो है जो अजर अमर और अविनाशी है, जो कभी नाश नहीं होती। और जहां कह देते हैं आत्मा अमर, आत्मा अमर नहीं है। क्या कहा मैंने? आत्मा अमर नहीं है, आत्मा के ऊपर एक और सरदार है बैठा हुआ, उसको सुरत कहते हैं, सुरत, वो अमर है। शरीर पांच तत्व का बना है, ये पांच तत्व में चला जाएगा। मन संस्कारों का बना हुआ है, जो देखा मन बन गया, जो सुना मन बन गया, जो पढ़ा मन बन गया, जो छुआ मन बन गया, जो खोया मन बन गया। क्या कह रहा हूं मैं? मन भी यहां बना, कुछ संस्कार पिछले लेकर आया जन्मों के, बाकी कुछ नहीं है, ये भी यही खत्म हो जाएगा। आत्मा प्रकाश रूप है, ये बार ब्रह्म में चल जाएगी, बड़े प्रकाश में चल जाएगी। और जो चौथी चीज है वो माल के कुल की अंश है, उसको सुरत कहते हैं, वो चेतन शक्ति है। तुम हो चेतन शक्ति, इसलिए तुम्हें चेत कराया जा रहा है। चेत 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 अभी चेत मेरे भाई, राह से कुराब है, हम राह से कुराब है हुए हैं, भूला पर भले भूले हुए हैं। संत मत धार ही है, संत मत क्या कहता है? तज मोह माया, मन की माया को छोड़ दे, मन के विचारों को छोड़ दे, मन की कल्पनाओं को छोड़ दे, अपनी डोर उसके हाथ में पकड़ा दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे काम अपने आप हो जाते हैं। ऐसा है नहीं कि जब उसको दे दिया क्यों ना होगा, होता है, करके देखो। आगे पढ़ो। सत्संग करे सतनाम उचारो, तब सन्मुख लही दीदारा है। क्या कहा? सत्संग करो और उस पर विचार करो। अब स्वामी जी महाराज शुरू करो, चार लाइनें और बोल देता हूं, 9:30 तक बोलूंगा, 12:30 तक बोलूंगा। हाँ, अब सेतु बन गया, सेतु बन गया, अब सेतु के जब आपने बेड़ी में बैठकर पार जाना है तो बेड़ी का मना भी तो कुछ लेगा, वो पैसे लेगा ना,
मसूल लेगा खर्च लेगा कितने पैसे, बस में जाना तो भी टिकट लेना पड़ेगा। दरिया पार्क है ना पंजाब में भी, यहाँ दरिया जहाँ पैसे लेते हैं आपको पार करते हैं, और बाकी जगह तो बहुत ज़्यादा बेड़ियाँ चलती हैं, यहाँ नहीं। अब वो कहते पढ़ो, तन मन धन की लई जुगात शिष्य उतारे गही कर हाथ। तन मन धन तीन चीजें गुरु ने ले ली जुकात के रूप में, और अपने शिष्य को पकड़कर पार कर दिया। अब बताओ कि तुम तन गुरु को दे सकते हो? क्या कोई मन गुरु को दे सकता है? धन तो दे सकता है, लेकिन कई जगह ऐसे ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता ना मैं बुरा बोलना चाहता हूँ, ऐसे गुरु हैं जो कहते तन दे दो मुझे, तन दे। खासतौर से मेरी बीबियाँ बहनें माताएं लुट रही हैं ऐसे संतों ने। क्या कहा मैंने? क्या मतलब इसका? जब तुम गुरु के बताए हुए वचन पर चलना है, उसके लिए साधन बताया है, उसके लिए अभ्यास बताया है, उस पर जब चलोगे तो क्या करना है? तीन चार छह चीज़ें हैं संत मत में, सत्संग, सतगुरु और सतनाम। या सत्संग होता है वो बोलने वाला सतगुरु होता है, और वो कोई नाम देता है उसका, उसको कहते हैं सतनाम। एक बात, फिर तुमने क्या करना है? तुमने करना है सिमरन, उस शब्द का याद करना बार बार, और उसका ध्यान, मालिक के कुल का ध्यान, गुरु का ध्यान, और भजन। तुम्हारे अंदर भजन हो रहा है, तुम्हारे अंदर शब्द हो रहा है, उसको सुनना। ये तीन चीज़ें आपके बस में है, तुमने करना। अब तुमने सिमरन करने बैठना है, तब तुमने ये तीनों चीज़ें गुरु को अर्पण करनी है। क्या कहा मैंने? सत्संग में तो हो ही जाती हैं, तुम बैठे हो मेरी बात सुन रहे हो, तुम शरीर को भूले हुए हो, मन को भी भूले हुए हो, भूले हुए कि नहीं? अगर मन आपका कहीं बाहर है, तुम सत्संग में नहीं हो। यहाँ भी तुम्हारा ऑटोमेटिकली सत्संग में तन मन गुरु को दे देते हो आप बड़े ध्यान से, तुम्हें कोई पता नहीं शरीर कहाँ बैठा है, तुम मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो, बड़े प्रेम से सुन रहे हो। सत्संग में ये प्रैक्टिस हो जाती है। क्या कहा मैंने? और फिर जब तुम वहाँ बैठ जाते हो, चौकड़ी लगा ली, शरीर को भूल जाओ, आराम में बैठ जाओ, जिस भी आसन में बैठ सकते हो। मैं तो चौकड़ी लगाई हुई है, मेरी यही आदत है, तुम किसी तरह से नई कुर्सी पर बैठ जाओ जहाँ आराम से तुम बैठ सकते हो, और सिमरन करना है और मन को छोड़ देना है। सिमरन करते करते मन शांत हो जाएगा, शरीर सुन्न हो जाएगा। जैसे पहले लेवल पर आप मन को जहाँ लाओगे तो जहाँ तुम्हारा मन इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन मन को इकट्ठा करने से पहले अपनी बुराइयों को त्याग दो, ये जो बताई गई हैं। इन बुराइयों को पहले छोड़ो, चुगली, निंदा, बुराई, खाना पीना, ये सब कुछ छोड़ दो, लोगों को देखना बंद कर दो, तभी तुम्हारा मन यहाँ आएगा। तुम अपने आप से प्यार करो, अपने गुरु से प्यार करो, अपने अंदर जाओ, तुम्हारा मन ठहर जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर जाओ, वहाँ गुरु का ध्यान करो, गुरु का ध्यान करोगे तुम्हारा मन शरीर सुन्न हो जाएगा, शरीर को तुम भूल जाओगे, तुम पूर्ण रूप से मन में आ जाओगे, और वहाँ तुम्हें कुछ सुनाई देगा जैसी जैसी तुम्हारी प्रकृति है। फिर तीसरे स्थान पर जाओगे तो शरीर को तुम भूल जाओगे, वहाँ मन नहीं रहेगा, शरीर में आ गए, मन में आ गए तीसरे स्टेज पर, और फिर मन भी सुन्न हो जाता है। ना तुम्हें शरीर का पता है, ना तुम्हारे मन का पता है, और तुम एक चौथी स्टेज पर चले जाते हो जिसको भंवर गुफा कहते हैं। वहाँ तुम्हारी आत्मा जागती है, वहाँ तुम चेतवान हो जाते हो, और तुम्हें महसूस होता है कि अब तक जो मैंने देखा ये शरीर में देखा, मन में देखा, है तो कुछ भी नहीं, तुम्हें अपने आप में अनुभव हो जाता है। तो तुम भंवर गुफा में चल जाओगे। ये 10 द्वारे हो गए, इनको 10 द्वारे कहा गया गुरुओं ने। फिर 10 द्वारे लंगो तो आगे गुरु खड़ा है,
वहाँ से तुम्हें आगे सतलोक का ज्ञान हो जाएगा, तुम प्रकाश में चल जाओगे, फिर गुरु की दया होगी तो तुम शब्द में भी चले जाओगे। क्या कहा मैंने? ये है तन मन धन को गुरु को देना। अगर धन से ही गुरु को कुछ दे सकता होता तो बड़े बड़े धनी सब कुछ ले जाते। मकान बनाने से तुम वहाँ नहीं जाओगे, मंदिर के चार कमरे बना दिए, नहीं जा सकते। वो तो एक श्रद्धा है कि तुम आए हो, कुछ ना कुछ तो दोगे ही, दोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? धन दोगे धन मिलेगा, इज्जत मिलेगी इज्जत दोगे, प्रेम मिलेगा प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, जो दोगे संसार में वो मिलेगा। असूल है, यहाँ इस हाथ से दे लो इस हाथ से ले लो। कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। क्या कहा मैंने? तो वो कहते हैं कि पहले तुम ये दे दो। उससे पहले मैंने कबीर साहब का वर्णन कर दिया कि ये चीज़ों को त्यागना है, और फिर ये तन मन धन तभी तुम दे सकोगे जब तुम उन चीज़ों पर चलोगे, वरना नहीं। तामसिक आदमी, तामसिक खाने वाला कभी इधर आ नहीं सकता, राजसिक भोजन करने वाला भी इधर कभी आ नहीं सकता, केवल सात्विक भोजन करने वाला इधर आएगा, दूसरा आ नहीं सकता। ये भी कह देता। राजसिक वो होते हैं जो दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं, वो दुनिया में खोए हुए हैं तो वो इधर कैसे आएंगे? वो नहीं आ सकते। क्या कहा मैंने? इसलिए संतों ने एक रास्ता निकाल दिया, पहले दुनिया में कर्म करते करते थक जाओ, अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, जितना है इसको मन को कहो ले रजला, ले रजला, खाला जो खाना, गुड़ खाला, चीनी खाला, मैदा खाला, नमक खाला, बीमारियां लगेंगी तो तुम्हें पता लगेगा। क्या कहा मैंने? पहले इट इज बेटर टू बी है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से ज़्यादा अच्छा है, परहेज करो, पहले ही परहेज करो। क्या कहा मैंने? इसलिए पढ़ो आगे। सूरत बहे थी नाव की धार, ताही चढ़ाया गगन मझार। ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी जो सूरत है, जो मैं हूँ, वास्तव में मैं हूँ, वो मन के काबू आकर आंखों में भी बैठेगा, कानों में भी बैठेगा, जुबान पर भी बैठेगा, सूंघने पर भी बैठेगा, और टच करने में भी आनंद लेना चाहेगा, नौ द्वारों में बैठ जाएगी वो। इसलिए यहाँ से निकलना हमने, जब तुम ध्यान करने बैठते हो तो अपनी सूरत को ऊपर लाना पड़ता है, यहाँ लाना पड़ता है, जब यहाँ आएंगे तो शरीर में शांति आ जाएगी। मैं क्या क्या कह रहा हूँ? और फिर यहाँ से जब मन इकट्ठा हो गया, तुम्हारी विल पावर बढ़ जाएगी, तुम दुनिया में कामयाब हो सकते हो। पढ़ने वाले बच्चे सब यहाँ होते हैं, मैंने मुझको मेरा अपना पता है, मैं जब पढ़ने बैठता था तो मैं दुनिया भूल जाता था, लिखने में बैठता था दुनिया भूल जाता था, बाबा जी की किताबों का ट्रांसलेशन किया, मुझे पता ही नहीं होता दुनिया है कि नहीं है। क्या कहा? यही रहता था, बैठा तो भी सोचता रहता था, लिखता था तो उतर में उतर जाता था। मेरा तजुर्बा हो गया, मेरे सतगुरु ने मेरे से अनुभव करवा दिया, उससे मुझे बहुत कुछ मिला, किताबों लिखने में मुझे बहुत कुछ मिला, मेरा अभ्यास हो गया। क्या कहा मैंने? गुरु की सेवा करो जैसे भी हो सकते हो। क्या कहा मैंने? इसलिए इसको यहाँ से ऊपर जाना है। कहाँ जाना? अपने घर जाना है। कब जाओगे अपने घर? जब प्रकाश से भी आगे चल जाओगे। बाबा फकीर ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया, यहाँ तक कह दिया बच्चा, मुझे समझाने के लिए, ना मैं शरीर हूँ, तू मुझे मानता है, इसलिए ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं आत्मा हूँ, ना मैं प्रकाश हूँ, ना मैं शब्द हूँ, मैं इसके ऊपर रहने वाला हूँ। उसको महाराज जी पाँचवा पद कहते थे, पाँचवा पद, पाँचवें पद वाला इंसान उस मालिक में विलीन हो जाता है। क्या कहा मैंने? और उसी अनुभव पर, उसी अनुभव पर मैंने जो किताब लिखी अपने जीवन की, उसी स्टेज का वर्णन मैंने किया, जो अनुभव किया कि मैं क्या होगा, मैं उसमें लिखा है आई विल एवेपोरेट इन द यूनिवर्स। जब मैं चोला छोड़ूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? इस यूनिवर्स में ही मैं मिल जाऊंगा। गुरु के मानने वाले के लिए नरक स्वर्ग नहीं है, मन के मानने वाले के लिए नरक स्वर्ग है। क्या कहा मैंने?
दुनिया से कोई काम करो, ड्यूटी करो, ड्यूटी करता हूँ। अब यहाँ से जाऊँगा, भूल जाऊँगा, आप सबको भूल जाऊँगा, मुझे को पता ही नहीं है क्या कहा। डोंट अटैच योर सेल्फ विद द वर्ल्ड, दुनिया के साथ अपनी अटैचमेंट को कम करते जाओ, जितना कम करोगे सुखी हो जाओगे। क्या कहा मैंने? बहुत कुछ कह दिया। आगे का साधन ऊंचा है, वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इतने ही पकड़ लो, बैठो, जो भी नाम तुम्हें मिला है, नहीं मिला कोई बात नहीं, राम नाम जपते हो तो राम वो ना समझो को जसिस का बेटा था, कृष्ण समझते हो तो कृष्ण वो ना समझो को वो गोकुल में पैदा हुआ ना, उनको ये समझो कि वो परम तत्व के अवतार थे, वो हमें ज्ञान देने के लिए आए। अगर आप उनको आदमी समझोगे तो तुम वही चीज़ें मिलेंगी जो तुम्हारे सामने आरोह हो रही हैं, फिर रामलीला में फंस जाओगे, आगे नहीं जा सकोगे। क्या कहा मैंने? सुखी रहो, मैंने बहुत कुछ कह दिया, आप बात को पकड़ने की कोशिश करो। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम सुखी रहो, सुखी हो जाओ, तुम्हें शारीरिक रोग ना लगे, ये बहुत बुरा है, मैंने देख लिया। नाम नहीं जपा जाता जब शरीर में तकलीफ होती है, तंदुरुस्ती में नाम जपा जाता है। जितना जप सकते हो जपो, जितना टाइम दे सकते हो कुछ ना करो। क्या हमने क्या, मैंने अब क्या करना एट दिस एज, मैंने तो कर लिया जो करना था, अब इसके अलावा मेरे पास और है क्या? कुछ नहीं करना। टाइम पर रोटी मिल जाती है, पानी मिल जाता है, खाने को मिल जाता है, बाकी अपने मस्ती में रहो, क्या लेना दुनिया से। क्या कहा मैंने? सुखी रहो, घरों में प्रेम रखो, अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च मत करो, ये बहुत बुरा है, बेचैनी हो जाती है, आदमी तंग हो जाता है, जितना है उसी में गुजारा करो, सूखी मीठी खा और उसके गुण गा। क्या कहा मैंने? जिना खादियाँ चौपड़ियाँ गणेश सहन गए दुख, बाबा फरीद ने कहा है, जो चौपड़ियाँ खाओगे ज़्यादा तो हजम खराब होगा, खुश्क रोटी खाओ एकदम पच जान दिया, परौठे खाओ बड़ा टाइम लगता। क्या कहा पर शर्मा जी मैंने? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, आप सबका भला हो, आप मुझे सुनने के लिए आ जाते हो, मेरा कर्म कट जाता है, मेरी शुभकामना, सबको प्यार भरा, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।